नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीमारियों और इलाज से संबंधित एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, तो आज इस पीडियाट्रिक सीरीज के चौथे वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं बच्चों में पाई जाने वाली कॉमन समस्या के बारे में, जिसे हम कहते हैं मिट्टी खाने की आदत और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायका। तो आज आपको बताएंगे पायका क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, इसकी वजह से क्या तकलीफें होती हैं और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिससे पायका यानी मिट्टी खाने की आदत पूरी तरह से छूट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है पायका। पायका एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें परवर्टेड एपेटाइट यानी विकृत भूख की वजह से बच्चे कुछ ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मली इनडाइजेस्टेबल होती हैं और या फिर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होती हैं। अब पहले जान लीजिए ऐसा बच्चे क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 8 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों के अंदर पायका फिजियोलॉजिकल है, यानी बच्चों में टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं जिससे बच्चे हर चीज को मुंह में देते हैं, उसके टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण यह है कि बच्चे जब नॉर्मली चलते हैं तो चलने की वजह से उनकी हैंड की ग्रिप इंप्रूव होती है, तो वो हर चीज को पकड़ते हैं, हर चीज को पकड़कर देखते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और इसी वजह से बच्चे बार बार उस चीज को मुंह के अंदर डालते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल होता है। अब बात करते हैं 2 साल से बड़े बच्चों के। अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं फिर भी उनके अंदर पायका है यानी मिट्टी खाने की आदत है, तो ये लैक ऑफ अटेंशन यानी अगर माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उस वजह से बच्चे जानकर ये करते हैं। कभी कभी बच्चे माँ बाप की अटेंशन पाने के लिए अटेंशन सीकर बन जाते हैं और उस वजह से भी ये काम बच्चे करते हैं। फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो बच्चों में आयरन या जिंक की कमी की वजह से भी ये होता है। एक मिथ है कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे मिट्टी या खड़िया खाते हैं, जो गलत है। आयरन और जिंक की कमी की वजह से बच्चों के अंदर पायका डेवलप होने लग जाता है। कभी कभी बच्चे चिड़चिड़ाहट में आकर या गुस्से में आकर भी उस चीज को जाकर पकड़ लेते हैं जिसे माँ बाप मना करते हैं और जबरदस्ती उसे मुंह में डालने लग जाते हैं। कभी कभी सिर्फ माँ बाप को चिढ़ाने के लिए या उनकी अटेंशन पाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए बच्चे जबरदस्ती वहां पहुंचते हैं, उस चीज को उठाते हैं और उठा के मुंह में रख लेते हैं। तो ये भी एक कारण होता है पायका का। अब जान लेते हैं बच्चे क्या क्या खाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली बच्चे मिट्टी, खड़िया, चौक, कुल्हड़, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो बच्चे अक्सर खाते हैं। पर इसके अलावा भी बच्चे कुछ हार्मफुल चीजें खाने लग जाते हैं जैसे कलर्स, वैक्स क्रेयॉन्स, प्लास्टिक, रबड़ और यहाँ तक कि अपनी पेंसिल तक को मुंह में ले लेते हैं। उसके अंदर लेड होती है, लेड पॉइजनस होता है, आप भी जानते हैं, उसे भी बच्चे मुंह में ले लेते हैं, उसे घुमाने लग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात होती है। एक बहुत आम सी बात है जो घरों में बोली जाती है कि आखिर मिट्टी खाने से क्या ही हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पायका की वजह से। अगर आपके बच्चे को पायका है तो उसकी वजह सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे के अंदर लैक ऑफ एपेटाइट ना हो जाए। बच्चों में आमतौर पर भूख कम लगने लग जाती है जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। फेलियर टू थ्राइव यानी बच्चा पनप नहीं पाता, यानी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ब्रेन की ग्रोथ कम होने की वजह से या मेंटल ग्रोथ कम होने की वजह से आप समझ सकते हैं बच्चों में कितनी परेशानी हो सकती है। और आखिरी में बच्चों के अंदर क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन यानी बच्चों में पेट दर्द होने लग जाता है जो काफी समय तक रहता है और सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी उस पेट दर्द का कोई हल निकल नहीं पाता। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप पायका कंट्रोल कर सकते हैं, मिट्टी खाने की आदत कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना सीखिए, बच्चों को पूरा समय दीजिए, बच्चों के साथ पूरा समय व्यतीत कीजिए, उनके उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि कौन सी चीज गलत है। बच्चों को डांटिए मत, मारिए मत, प्यार से समझाइए, चीजों से दूर रखिए, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप ये सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं उसके बाद भी आपके बच्चे के पायका में सुधार नहीं होता है तो बताते हैं आपको 100% इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिंस इस कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजिकल पायका की यानी 8 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों में पाई जाने वाली पायका के लिए। तो 2 दवाइयां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली दवा है क्लिकेरिया फॉस और दूसरी दवा है सिलीशिया। अब बात करते हैं 2 साल से बड़े बच्चों की। तो अगर आपके बच्चे में मिट्टी खाने की आदत छूट नहीं रही, कुल्हड़ खाने की आदत नहीं छूटती है, तो दवाइयां हैं नेटर म्यूरियाटिकम और दूसरी दवा है नक्स ओमेगा। अब बात करते हैं चौक, खड़िया या पेंसिल खाने की आदत के बारे में, तो दवाइयां हैं लैकेसिस और दूसरी दवा है एल्यूमिना। अब बात कर लेते हैं नेल्स बाइटिंग यानी बार बार बच्चा अगर नाखून खाता है, नाखून चबाता रहता है, तो दवाइयां हैं एरेमिट्रिफ्लम और दूसरी दवा है मेडोराइनम। अब बात कर लेते हैं इनडाइजेस्टिबल चीजें यानी क्रेयॉन्स खाता है, प्लास्टिक खाता है या रबड़ खाने लग जाता है, तो दवाइयां हैं नाइट्रिक एसिड और दूसरी दवा है सिलीशिया।
सारी दवाइयों की पोटेंसी और डोसेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, उसे डिटेल्स को ध्यान से पढ़िए, कैसे प्रेस्क्राइब करना है देखिए, बच्चों को दीजिए, हो सकता है पायका में आपके बच्चे में उन दवाइयों से सुधार होने लग जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।